वेलकम वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स का उनके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप देखिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये है हमारी नो फेल रेसिपी, किसकी? बहुत ही लजीज और मज़ेदार सब्जी जो झटपट घर के सामान से बन जाती है, वो है गट्टे की सब्जी। यह एक मज़ेदार बात बताऊँ, इसे हमारे दिल्ली में टके पैसे की सब्जी भी कहते हैं। तो ये मेरी रेसिपी जो है टके पैसे की सब्जी की, या गट्टे की, बेसन के गट्टे की सब्जी की, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नो फेल रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है। और मैं इसके अंदर आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स जो हैं, वो 3-4 टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपकी ये रेसिपी जो है हमेशा परफेक्ट बनेगी। जो आपको प्रॉब्लम आती है कि हमारे गट्टे हार्ड हो जाते हैं या प्रॉपरली नहीं बन पाते हैं, तो आज से उसको आप बिल्कुल बाय बाय कीजिए और मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और मैं आपके साथ एक एक करके सारे 3-4 टिप्स हैं वो सब शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं मेरे साथ और बना लेते हैं बड़ी मज़ेदार सॉफ्ट गट्टे की सब्जी। तो सबसे बड़ा टिप, जब भी आप गट्टे की सब्जी बनाएंगे तो उसे कैसे बनाएंगे? सरसों के तेल में बनाएंगे। सरसों के तेल का और बेसन का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सरसों के तेल को 5-7 मिनट के लिए गर्म कर लीजिए हाई फ्लेम पे, और जब ठंडा हो जाए तो उसे आप यूज़ कीजिए। ये पहला टिप था। और अब मैंने क्या किया, 2.5 कटोरी मैंने बेसन लिया, उसमें 1 छोटा चम्मच मैंने खाने का सोडा लिया, 1 चम्मच हल्दी ली और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ले लिए। और यहाँ हम डाल देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके अपने हाथों से, बस वो डाल दीजिए तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है। और थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे हींग। हींग बेसन की बादी को मार देती है। और 2 चम्मच आप डाल दीजिए इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। और अब हम डालेंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और अब थोड़ी सी अजवाइन डालने वाले हैं, अजवाइन को हाथों से क्रश करेंगे और अजवाइन डाल देंगे इसके अंदर। अजवाइन ऐसे हाथ से डालने से ना ऐसे क्रश करके फ्लेवर बहुत ज़्यादा उसका बढ़ जाता है। तो अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर, ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसके अंदर 1/2 चम्मच के करीब मैंने जो है धनिया ले लिया था क्रश, और उतनी ही सौंफ ले ली और इसको मिला दिया है। और बस अब हम इन सब चीज़ों को एक साथ कर देंगे, मिलाकर अच्छे से इसको मिला लेंगे। जब ये एक साथ हो जाएगा तो ये जो मेरा तेल था ना गरम गरम, ये मेरा तेल अभी गरम है क्योंकि मैंने अभी कड़काया था। आप पहले से कड़काएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर गरम है तेल तो प्लीज़ इसे स्पैचुला के मदद से ही मिलाएं, नहीं तो क्या होता है हाथ जलने का डर रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है किचन में उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और बस ये तेल डाल देंगे, हाँ तेल डालने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। और बस स्पैचुला की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे क्योंकि ये गरम है। और मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। ये चेक करने का भी एक तरीका होता है। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से रब किया इसे, और थोड़ी सी चिलीज डालना भूल गई थी मैं, तो मैंने वो चिली पेस्ट डाल दिया है। आप ऑप्शनल है, चाहें तो डाल दें, पर मैं कहूँगी डाल दें तो अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए मैंने उसको अच्छे से हाथों से रब किया और इसकी मुट्ठी बना ली है। देखिए मुट्ठी बनाइए इसकी, कभी भी आपको मोयन चेक करने किसी भी चीज़ का मुट्ठी बनाइए और उछाल कर देख लीजिए। अगर ये मुट्ठी टूटती है तो आपको और थोड़ा सा तेल या मोयन जो भी यूज़ कर रहे हैं वो डालना पड़ेगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, परफेक्ट है। और यहाँ अब हम इसका आटा बना लेंगे। आटा इसका ये भी बहुत बड़ा टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कि आटा अगर परफेक्ट नहीं मंडा होगा, परफेक्ट मीन्स आटा आपका हमेशा मीडियम से सॉफ्ट की तरफ होना चाहिए। हार्ड आटा होगा तो आपके टके पैसे हमेशा हार्ड बनेंगे, चाहे आप उसमें कितना सोडा डाल लें चाहे कितना तेल डाल लें। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ग्रेवी की तैयारी करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज काट लिए, 2-3 मीडियम साइज़ के प्याज काटिए, 2 टमाटर काटिए, 4-5 हरी मिर्चें डाल लीजिए। और ये क्या कीजिए, एक बाउल लीजिए, उसमें 3 चम्मच आप डालिए भर के धनिया पाउडर, और उसके बाद 1 चम्मच आपने इसके अंदर डाल दिया हल्दी, और ये मैं डाल रही हूँ किचन किंग मसाला, आप गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी हींग इसमें भी ज़रूर जाएगी। और ये 2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी दही। दही डालना ऑप्शनल है, पर डाल दें टेस्ट अच्छा आता है। तो थोड़ा सा हम दही डाल देंगे 2 चम्मच के करीब, और इसे मिक्स कर लेंगे। ऐसे अच्छे से मिक्स करके मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालना है। अभी मैं नमक डालूँगी और फिर मैं डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ा सा पानी। अभी आपने देखा कि मैंने इसके अंदर मिर्ची नहीं डाली है, वो मैं बाद में बताऊँगी। और ये मैंने क्या किया, मेरे को 20 मिनट हो गए थे, मेरा आटा अच्छे से मंड गया। देखिए कितना सॉफ्ट बढ़िया आटा है, कितना आराम से ये बन रहा है। बस इसके इक्वल आप पेड़े बनाइए और इन्हें रोल करके रखते जाइए साइड में। अब इसको बनाने का, बेलने का एक तरीका है, आप देखिए कैसे बनाएंगे, इसे रोल कैसे करेंगे अपनी हथेली के साथ। हमेशा हथेली से इसको रोल कीजिए तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, नहीं तो कहीं से मोटा कहीं से पतला हो जाता है। तो हमेशा हथेली से इसको रोल करें और साइड में बना रखते जाएं। देखिए कितने परफेक्ट ये मेरे बनके तैयार हो गए हैं ना, सारे एक साइज़ के बन गए।
और बस इन्हें हम क्या करेंगे, अब बॉईल करेंगे। बॉईल करना इज़ द नेक्स्ट स्टेप, वो एक नेक्स्ट स्टेप है, वो भी आप देखिए। हमेशा जब भी आप टक्के वैसे बॉईल करें, किसी बड़ी कढ़ाई में करें या किसी खुले बर्तन में करें, और जब पानी बिल्कुल उबल जाए तब एक एक करके आप इसके अंदर टक्के वैसे डालते जाएं अच्छे से। और जब ये इसको क्या करेंगे, आप 2 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे, जब ये उबल जाएगा तो देखिए आपके टके पैसे को बनने में ना उबलने में मैक्सिमम 10 से 12 मिनट लगते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है कि उबल के फ्लोट करने लगता है, जैसे ये फ्लोट करने लगे और इस पर दाने आने लगे, इसका मतलब आपके टके पैसे बन गए, उसे निकाल लीजिए। और ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं सारा पानी जो उनका बॉयल होने के बाद बचा था ना उसे यूज़ करूँगी। कहाँ करूँगी वो भी आपको बताती हूँ। और देखिए कितने परफेक्ट बन गए हैं मेरे टके पैसे, आप देख सकते हैं। आपने चाकू से मुझे काटते हुए भी देखा होगा, एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कोई मेहनत नहीं लग रही, और कितने बढ़िया बन के तैयार हो गए, कट रहे हैं और देखिए कैसे मुलायम है कि उंगली से ही घुल रहे हैं ये बिल्कुल। अब इसको फ्राई कैसे करेंगे, फ्राई भी हम करेंगे सरसों के तेल पे, मीडियम हाई के ऊपर रखेंगे। और जब आपके ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आप इन्हें निकाल लीजिए। अच्छा एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि इसको ना आप फ्राई करके भी रख सकते हैं, आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपको फ्राई नहीं करना, एयर फ्रायर में भी डाल के कर सकते हैं, और वो भी नहीं करना तो आप कच्चे भी डाल सकते हैं, उबालने के बाद भी आप ग्रेवी में डाल सकते हैं। और ये मैं ग्रेवी के लिए तेल गर्म कर रही हूँ, जो मेरा बच गया था उसी तेल के अंदर मैंने 2 मोटी इलायची डाल दी, 4-6 लौंग डाल दी और 1-2 तेज़पत्ते डाल दिए। और अब मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के गार्लिक का पेस्ट, गार्लिक जान होती है इसकी, तो आप इसमें गार्लिक डाल दीजिए। और गार्लिक डालने के बाद मैंने थोड़ी सी जिंजर डाली है। और अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी। वो मैं क्यों कर रही हूँ, वो मैं इसलिए कर रही हूँ कि गार्लिक के अंदर अपना बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है, तो अगर हम इसको हाई हीट के ऊपर जब फ्राई करते हैं तो जलने का डर रहता है। तो जब भी कभी आप गार्लिक को या प्याज को डालें, थोड़ा सा पानी का छींटा दे दें तो उससे क्या होगा, वो जलेगा नहीं। और अभी आप मैं डाल रही हूँ इसके अंदर प्याज, प्याज को हम गोल्डन फ्राई करेंगे, बिल्कुल ब्राउन मत कीजिए, गोल्डन फ्राई कर लीजिए इसको बिल्कुल। जब इसके कॉर्नर्स ब्राउन होने शुरू हो जाए ना, बिल्कुल गोल्डन कलर आना हो जाए, दैट इज़ द परफेक्ट स्टेज। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर हरी मिर्चें। हरी मिर्चें स्टेज पर डालने से क्या होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्लेवर्स रहते हैं और तेज़ी ख़त्म हो जाती है। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर कटे हुए टमाटर। आप चाहें तो टमाटर को प्यूरी करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उससे भी बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। और ये डाल के हम चलाएंगे, और थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें, टमाटर डालने के बाद हमेशा थोड़ा नमक डालें, तो उससे बहुत जल्दी मशी हो जाते हैं। ये देखिए ये मेरा टिप था, ये सरप्राइज़ था कि मैंने जैसे ही टमाटर फ्राई हुए मैंने मसाले में मिर्ची नहीं डालती, वो अब डाली है लाल मिर्ची। वो क्यों, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो हमेशा जब भी आप मसाला बनाएं, प्याज टमाटर भुंजें, सबसे पहले मिर्ची डालें, तो उससे रंगत बहुत अच्छी आती है। उसके बाद मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी, और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर वो जो मैंने मसालों का पेस्ट बनाया था ना, वो इसके अंदर डाल दूँगी और डाल के इसको फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी कि इसका ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो जाए। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाल दी टोमेटो प्यूरी, बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं चाहिए तो मत डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मसाले को भूनने के लिए वो जो हमने पानी रखा था ना, जो टके पैसों का बच गया था या गट्टे की सब्जी का उबालने पे बच गया था, वो डाला है। और जब मसाले का तेल जो है ऊपर आ गया, सेपरेट हो गया, तो हमने इसके अंदर टके पैसे डाल दिए हैं या गट्टे डाल दिए हैं। और इसको 2 से 4 मिनट तक हम इसके अंदर चला लेंगे, जिससे इसके अंदर मसाला अच्छे से मिल जाए। और जब मसाला बहुत अच्छे से मिल जाएगा तो हमें जितना भी इसके अंदर सूप करना है, उतनी हम ग्रेवी करनी है, उतने ही हम इसके अंदर वो पानी डाल देंगे, और इसे 2 से 3 उबाले आने देंगे, और फिर हम इसे बंद कर देंगे, तो आपकी गट्टे की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। अच्छा मैं यही कहती कि इन गट्टों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, है ना, तो आप फ्रीज़ भी कर लें, जब बनाना हो निकालिए और सर्व कर दीजिए। देखिए क्या परफेक्ट मेरी सब्ज़ी जो है बनके तैयार हो गई है। हमेशा जब आपको सब्ज़ी सर्व करनी हो ना, तो उससे 10-15 मिनट पहले ही आप गट्टे डालें, नहीं तो क्या होता है, बेसन जो है उसकी शोरबे को एब्जॉर्ब कर लेगा। और सर्विंग के टाइम पे अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, थोड़ा पानी गर्म कीजिए और फिर उसमें थोड़ा सा नमक वमक अपने हिसाब से डाल के और फिर गट्टों में डालिए, नहीं तो क्या होगा, पानी वो सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखिए कितनी परफेक्ट मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो अगर ये सब्ज़ी देखकर आपके भी मुंह में पानी आए और आपका भी बनाने का मन किया, तो किचन में जाइए और फटाफट जाकर इसको बना लीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। अरे हाँ, ये कहना तो भूल ही गई कि अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, कैसी बनी मुझे बताएं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
अब मैं आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व करूंगी। गुड बाय।